हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन नॉट एक्ट एज बोथ प्रॉन्स्टेट एसिड एंड बेस। तो ऑप्शन में हमको पांच स्पीशीज दी गई हैं। हमसे पूछा गया इसमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो ब्रॉन्स्टेट बेस और एसिड दोनों के जैसे बिहेव नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रॉन्स्टेट बेस क्या होते हैं। ब्रॉन्स्टेट बेस की अगर बात की जाए तो ब्रॉन्स्टेट बेस कौन सी स्पीशीज होती हैं। हम कहेंगे क्या जो प्रोटॉन डोनर सॉरी प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशीज होती हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशीज, दोज स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन आर कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे क्या इसी तरह हम देखेंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होते हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होते हैं, तो जो एच प्लस डोनर स्पीसीज होती हैं, ऐसी स्पीसीज जो एच प्लस को डोनेट कर सकें आर कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है, तुमने कहा जो एच प्लस एक्सेप्टर होंगे वो क्या कहलाएंगे, ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाएंगे, और एच प्लस डोनर क्या कहलाएंगे, ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाएंगे। अब ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन ए हमारा दिया गया है H2O। तो H2O क्या कर सकता है, H2H+ डोनेट भी कर सकता है और हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। H2O क्या करेगा, H+ डोनेट करके हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है, और साथ में क्या है ये H+ को एक्सेप्ट भी करता है और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी कि ये क्या करेगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी में हमको दिया है बाई कार्बोनेट आयन, दैट इज HCO3 नेगेटिव। HCO3 की बात करें तो ये H+ को एक्सेप्ट कर कर यहाँ पे H2CO3 बनाता है, दैट इज कार्बोनिक एसिड, और साथ में क्या करता है ये H- को लूज भी कर सकता है, H- को लूज भी कर सकता है, और यहाँ से एक कार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करता है। यानी कि ये भी हमारा ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस की तरह बिहेव कर सकता है। ऑप्शन सी की बात करें, दैट इज बाई सल्फेट आयन, HSO4 नेगेटिव, हाइड्रोजन सल्फेट आयन भी बोलते हैं इसे। ये भी क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट भी करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, एक एसिड बनाएगा H2SO4, और H+ को जो है ये रिलीज भी कर सकता है क्योंकि इसके पास अभी प्रोटॉन है, एक एनएसएल प्रोटॉन है, तो ये क्या करेगा, सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी दैट इज बाई सल्फेट आयन, ये भी क्या करेगा, एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस। ऑप्शन डी की अगर बात करें, ऑप्शन डी में हमें क्या दिया है, NH2 नेगेटिव। अब NH2 नेगेटिव की बात करते हैं तो प्रोटॉन तो ये एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, अमोनिया, बट जब बारी आती है इसके पास प्रोटॉन को लूज करने की, तो ये प्रोटॉन को लूज करके NH2 नेगेटिव स्पीशीज नहीं बनाता है, जिस वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस स्पीशीज ओनली एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। तो देयरफॉर जो NH2 नेगेटिव है क्या होगा, ये ओनली एक्ट्स एज अ ब्रॉन्स्टेड, सिर्फ और सिर्फ ये ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह बिहेव करेगा, एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा, ये क्या करेगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। और ऑप्शन ई की बात करें, ऑप्शन ई में हमारे पास क्या है, NH3 दैट इज अमोनिया, तो ये क्या करेगा, ये H+ को एक्सेप्ट जब करेगा तो अमोनियम आयन बनाएगा, और जब H- को लूज कर देगा, H+ को लूज कर देगा, यहाँ पे अमाइड बना लेगा। यानी कि हमने देखा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी कि हमने देखा कि अमोनिया भी क्या करेगा, H+ को लूज कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ये भी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस की तरह बिहेव करेगा, बट ओनली ऑप्शन डी जो हमारे पास है, दैट इज NH2 नेगेटिव, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस की तरह काम नहीं कर पाएगा, बिहेव नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।